हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आर एस एकेडमी में दोस्तों राजस्थान में आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए भारतीय इतिहास के टॉपिक वाइज टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी जिसमें अपने दोस्तों मौर्य काल से संबंधित है वो टॉप सो प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं आज अपन दोस्तों गुप्त काल से संबंधित टॉप सो प्रश्न पढ़ेंगे

गुप्त किसके सामंत थे गुप्त है ये किसके सामंत थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये कुषाणों के सामंत थे किसके सामंत थे कुषाणों के सामंत थे गुप्त है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट तीन नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की तो दोस्तों गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंद्रगुप्त ने बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने आगे देखिए इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है अपने को इसमें सुमेलित करना है ठीक है सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड यानी कि कौन सा अभिलेख किस संबंधित है वो अपने को बताना है देखिए प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख है ये दोस्तों समुद्र गुप्त से संबंधित है किससे संबंधित है समुद्र गुप्त से संबंधित है और देखिए यहाँ पे जो अभिलेख है ये दोस्तों कुमार गुप्त से संबंधित है भीतरी अभिलेख है ये दोस्तों स्कंद गुप्त से संबंधित है और मंदसौर लेख है ये दोस्तों वंधु वर्मन से संबंधित है तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें एक दो तीन चार एक दो तीन चार इसमें सारे के सारे पहले से ही सही सुमेलित हैं तो ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों आर्यभट्ट सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट ठीक है आगे देखिए सिक्स नंबर का प्रश्न है गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी तो दोस्तों गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी वो कौन सी थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संस्कृत द नंबर यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट सात नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समुद्रगुप्त गुप्त को यानी कि समुद्रगुप्त गुप्त को दोस्तों क्या कहा गया है तो ये भारत का नेपोलियन ठीक है याद रखना समुद्रगुप्त गुप्त गुप्त वंश का एक महान योद्धा और कुशल सेनापति था इसी कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है ठीक है राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन नेक्स्ट गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें स्कंदगुप्त ठीक है स्कंद गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है याद रखना बहुत ही अच्छा प्रश्न है देखिए जो स्कंद गुप्त है हूणों को रोकने में दोस्तों बहुत ज्यादा कोशिश की थी ठीक है तो आपको इसमें याद रखना है कि हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था किसने स्कंद गुप्त ने तो इसका राइट आंसर आ, सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तों इसमें नाइन नंबर प्रश्न इसमें देखिए गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था तो दोस्तों गुप्त राजवंश है वो किसके लिए प्रसिद्ध था तो ये प्रसिद्ध था दोस्तों कला एवं स्थापत्य के लिए कला एवं स्थापत्य के लिए दोस्तों गुप्त राजवंश है ये प्रसिद्ध था ठीक है आगे देखिए अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है तो दोस्तों ये गुप्त काल से संबंधित है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए ग्यारह नंबर का प्रश्न है कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे तो दोस्तों ये किसके राजकवि थे तो चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य के दोस्तों कालिदास है वो राजकवि थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तों इसमें बारह नंबर का प्रश्न है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि अजंता की गुफाएं में जो अजंता की जो गुफाएं हैं वो दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है कौन से धर्म के लिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सीधा सा है बौद्ध धर्म के लिए तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें तेरह नंबर का प्रश्न है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था उत्तर गुप्त युग में जो विद्यालय यानी कि जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था तो वह कौन सा था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है नालंदा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नालंदा आगे देखिए एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है तो ये दोस्तों भानुगुप्त से है किससे संबंधित है भानुगुप्त से संबंधित है और दोस्तों गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था वो भी था दोस्तों भानुगुप्त याद रखना ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर भानुगुप्त ठीक है आगे देखिए फायान किसके शासनकाल में भारत आया था तो दोस्तों ये तो सभी को पता होना चाहिए जो फायान है ये दोस्तों चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था ठीक है याद रखना चंद्रगुप्त प्रथम के सॉरी चंद्रगुप्त सेकंड प्रथम नहीं चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य याद रखना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था यह फायान ठीक है चंद्रगुप्त प्रथम मत कर देना सेकंड होगा ये ठीक है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत यात्रा पर आया था ठीक है तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखिए भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था तो दोस्तों भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था तो वो कौन सा था तो वो था दोस्तों गुप्तकाल डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गुप्तकाल आगे देखिए फायान कहाँ का निवासी था फायान कहाँ का निवासी था तो दोस्तों ये चीन का निवासी था फायान तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फायान है ये चीन का निवासी था आगे देखिए सेतु बंद का रचनाकार प्रवरसेन सेकेंड किस वंश का शासक था सेतु बंद का रचनाकार प्रवर सेन सेकेंड किस वंश का शासक था? था तो दोस्तों कौन से वंश का शासक था तो ये वाकाटक वंश का शासक था सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वाकाटक वंश ठीक है आगे देखिए इसमें उन्नीस नंबर प्रश्न किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समुद्रगुप्त। गुप्त गुप्त को दोस्तों कविराज कहा गया सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए स्कंद गुप्त को स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कहोम स्तंभ लेख कहोम स्तंभ लेख तो इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कहोम स्तंभ लेख नेक्स्ट इक्कीस नंबर प्रश्न इसमें देखिए श्रीलंका के राजा वर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्र गुप्त से अनुमति मांगी थी श्रीलंका के राजा वर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त गुप्त से अनुमति मांगी थी तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है हैं. तो वो है दोस्तों बोध गया में ठीक है बोध गया में तो इसका राइट right आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए बाईस नंबर प्रश्न मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ तो मंदिर निर्माण Uh, कला का जन्म है वो सर्वप्रथम कब हुआ तो ये हुआ था दोस्तों गुप्त काल में बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें तीन नंबर का प्रश्न यानी सॉरी तेईस नंबर का प्रश्न चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि है ये कब धारण की तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए शको का उन्मूलन करने के बाद में शको का उन्मूलन करने के बाद में दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त सेकंड ने तो इसमें बी ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चौबीस नंबर प्रश्न है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे तो वो थे दोस्तों विष्णु बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विष्णु आगे देखिए चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस किस विजय के विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किस खुशी में तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सको को पराजित करने के बाद में शको को पराजित करने के बाद में दोस्तों चांदी के सिक्के चलाए थे दोस्तों किसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने ठीक है तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें मेहरोली दिल्ली स्थित लोहे स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था तो दोस्तों लोहे स्तंभ का निर्माण है वो कौन सी सदी में हुआ था तो ये हुआ था दोस्तों चौथी सदी में तो इसमें यानी कि चतुर्थ सदी में तो इसका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तों इसमें फायान और हेनसान ने के राज्यों को देखा तो दोस्तों फायान और हेनसान ने किसके राज्यों को देखा देखिए फायान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय और दोस्तों हेनसान आया था वो है हर्षवर्धन के समय ठीक है तो अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा देखिए हैसे है आप याद रख लेना हर्षवर्धन में है आता है और हेनसान में भी है आता है ठीक है तो हैसे है से है यानी कि हेनसान आया था हर्षवर्धन के टाइम में और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था फयान ठीक है ये दोनों चीनी यात्री थे हेनसान और फयान आगे देखिए धनवंतरी थे तो दोस्तों धनवंतरी है वो कौन थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे धनवंतरी थे तो दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा देखिए इनके दरबार में नौ रत्न थे कौन कौन से थे तो मैं आपको नाम बता रहा हूँ ध्यान रखना कालिदास धन्वंतरी सणपक ठीक है सपनक अमर सिंह शंकु बेताल ठीक है और घटक पर वराहमीर और वररुचि ये टोटल नौ थे दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में तो इसमें धनवंतरी आता है तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी तो किस प्रकार की थी तो ये थी दोस्तों राजतंत्रात्मक ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राजतंत्रात्मक नेक्स्ट है फायान द्वारा रचित ग्रंथ फायान द्वारा रचित ग्रंथ फो कू की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता तो दोस्तों निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता यहाँ पे ग्रंथ का नाम बताया है फो की ठीक है तो इसमें किसका विवरण नहीं मिलता तो वो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का दोस्तों इसमें विवरण है वो नहीं मिलता तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाकी गौतम बुद्ध के उपदेशों का बौद्ध राज्यों का और बौद्ध मंदिरों स्तूपों विहारों का इन तीनों का दोस्तों वर्णन मिलता है लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन था कौन है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन है तो वो है दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सोलह सत्रह और उन्नीस सोलह यानी कि गुफा नंबर सोलह सत्रह और उन्नीस इन तीनों का निर्माण है ठीक है ये दोस्तों गुप्त काल में हुआ था इन तीनों का निर्माण ठीक है और अजंता की 16 और 17 गुफा के चित्र एवं बाघ इस युग की चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण है किसकी तो गुप्त काल के ठीक है याद रखना तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर आगे देखिए अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे तो दोस्तों किस शासक के दरबार से जुड़े थे तो ये जुड़े थे दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड के ठीक चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार से जुड़े थे ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट गुप्त समत तीन से तीन ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है तो ये दिया जाता है दोस्तों किसे तो चंद्रगुप्त प्रथम को चंद्रगुप्त प्रथम को दोस्तों गुप्त समत प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त समत का प्रारंभ किस उपलक्ष में किया था तो किस उपलक्ष में किया था यह बताना है गुप्त समत का प्रारंभ है वो किस उपलक्ष में किया था तो यह किया था दोस्तों अपने राज्यारोहण के इस मार्क के रूप में अपने राज्यारोहण के इस मार्क के रूप में दोस्तों तीन सौ उन्नीस बीस ईस्वी में गुप्त समत है वो प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त ने तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है समुद्र गुप्त का तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा समुद्र गुप्ते आगे देखिए गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चर्मोत्कृष्ट पर पहुंचने के कारण है ठीक है तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए सारनाथ के दमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ सारनाथ के दमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों सीधा सा है गुप्तवंश की बात कर रहे हैं अपन तो गुप्तवंश इसका राइट आंसर हो जाएगा धमेक स्तूप का निर्माण है ये गुप्त काल में हुआ था डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था क्या कहा जाता था तो दिनार कहा जाता था ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए कुंभार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा तो यह लिखा था दोस्तों कौन से कवि ने तो यह लिखा था कालिदास ने ठीक है तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कालिदास ठीक है आगे देखिए इकतालीस नंबर प्रश्न इसमें देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है वो दोस्तों कौन से युग में हुई थी तो वो हुई थी गुप्त काल में हुई थी ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी तो यानी कि गुप्त काल में भू राजस्व की दर है वो क्या थी तो वो है उपज का छठा भाग उपज का छठा भाग ये दोस्तों इसमें गुप्त काल में भू राजस्व की दर थी ठीक है तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें नगरों नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी तो ये थी दोस्तों गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था तो इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें गुप्त वंश तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गुप्तवंश से ठीक है आगे देखिए दिल्ली के मेहरोली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहे स्तंभ किस किस मर्ती है किस किस मर्ती में किया गया तो ये देखिए दोस्तों दिल्ली के मेहरोली के कुत उल इस्लाम की मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहे स्तंभ है वो किसकी स्मृति में बनाया गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए चार ऑप्शन आपके सामने हैं तो इसका बिल्कुल सही उत्तर 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 हो जाएगा दोस्तों वो है चंद्रगुप्त ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें चंद्रगुप्त ठीक है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का रचयिता था तो कौन था तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अग्निमित्र ठीक है तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है याद रखना कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था तो वो था अग्निमित्र सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए चंद्रगुप्त सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है सॉरी समुद्र गुप्त की किस सॉरी समुद्रगुप्त गुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तो प्रयाग के अभिलेख में ठीक है प्रयाग के अभिलेख में तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी तो किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुप्त काल में ठीक है गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए कौन सा राजवंश के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुप्त ठीक है तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था तो कालिदास ने कौन सा नाटक है वो नहीं लिखा था तो यहाँ पे देखिए मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोत्सवंशी सीरियम ठीक है तो ये जो तीनों नाटक हैं ये तो दोस्तों कालिदास के द्वारा लिखे गए थे लेकिन चौथा नंबर का जान की हरण यह कालिदास द्वारा रचित नहीं है तो अपना डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए अजंता गुफाओं के शरीकी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है अजंता गुफाओं के शरीकी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है तो दोस्तों कहाँ पर है मध्य प्रदेश में तो ये है दोस्तों धार में बाघ धार में तो इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सयुत्तर धार जिले में आगे देखिए गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया तो दोस्तों गुप्त वंश ने कौन सी अवधि से कौन सी अवधि तक शासन किया तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा वो है इसमें तीन सौ उन्नीस से पांच सौ ईस्वी तक तीन सौ उन्नीस ईस्वी से पांच सौ ईस्वी तक दोस्तों शासन किया था गुप्त वंश ने ठीक है तो इसका राइट right आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई तो दोस्तों बाल विवाह की प्रथा है यह आरंभ हुई थी किस काल में तो दोस्तों गुप्त काल में हुई थी ठीक है तो इसका राइट आंसर गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी नेक्स्ट सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए तो सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए तो ये जारी किए गए थे दोस्तों गुप्त काल में तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है तो उसका नाम है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम नेक्स्ट सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है तो सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है तो ये मिलता है दोस्तों कहाँ से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एरन अभिलेख से मिलता है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एरन अभिलेख आगे देखिए गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम से लगाना है क्रम से लगाना है गुप्त वंश के शासकों का क्रम देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले शासक बनता है चंद्रगुप्त प्रथम कब बनता है तो तीन ईस्वी में ठीक है उसके बाद में शासक बनता है दोस्तों समुद्रगुप्त कब बनता है तो 335 सौ ईस्वी में उसके बाद में शासक बनता है दोस्तों चंद्रगुप्त ये बनता है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ये बनता है 380 में और उसके बाद में शासक बनता है दोस्तों वो है कुमारगुप्त कुमारगुप्त बनता है दोस्तों चार सौ तेरह ईस्वी में और फिर दोस्तों कुमारगुप्त के बाद में शासक बनता है स्कंदगुप्त ये कब बनता है तो ये बनता है दोस्तों चार सौ चार सौ पचपन ईस्वी में ठीक है तो यहां पे बिल्कुल सीधा सा क्रम ये ही होगा इसका कुमार गुप्त यहां पे दे नहीं रखा तो बिल्कुल अपना क्रम ये ही होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दो तीन चार ठीक है एक दो तीन चार तो यहां पे इसको छोड़ दीजिए पांचवा नंबर का गलत दे रखा है एक दो तीन चार डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है तो सबसे बड़ा ढेर है वो कहां से प्राप्त हुआ है तो ये बयाना भरतपुर से हुआ है कहां से हुआ है बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है नंबर उत्तर आगे किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है तो किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम ठीक है कुमार गुप्त प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त तो प्रथम ने ही दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए कथन ए और कथन आर दे रखा है अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है देखिए प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है बिल्कुल सही बात है आगे देखिए गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है यानी कि दोनों सही है लेकिन दोस्तों एक की यानी कि आर है वो एक ही सही व्याख्या है वो नहीं करता दोनों कथन इसमें बिल्कुल सही है तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता है था गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो है दोस्तों ताम्रलिप्ति ठीक है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे तो चांदी के सिक्के दोस्तों क्या कहलाते थे तो रूपक कहलाते थे चांदी के सिक्के ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है सुमेलित करना है सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे देखिए विद्वान दे रखे हैं और सूची सेकंड में कौन किससे संबंधित था यानी कि नाट इनके आ, जैसे कौन किससे संबंधित है ठीक है किसने किसकी रचना की थी वो बताना है देखिए विशाख दत्त विशाकदत्त है ये दोस्तों नाटक लिखते थे वराहमीर है ये दोस्तों खगोल विज्ञानी विज्ञान शास्त्री थे चरक है ये दोस्तों चिकित्सा से संबंधित थे और ब्रह्मगुप्त है ब्रह्मगुप्त है ये दोस्तों गणित से संबंधित थे समझ में आ गया दो तीन एक चार इसका राइट आंसर हो जाएगा दो तीन एक चार यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उज्जैन सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन ठीक है आगे देखिए कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की सौ प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की सौ प्रसिद्ध साहित्य साहित्यिक कृतियों में होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वो कृति कौन सी है कालिदास की तो वो है अभिज्ञान शकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन से युग को तो वो है गुप्त युग को बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था तो गुप्त वंश के पतन का कारण है वो कौन सा नहीं था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह ये बिल्कुल नहीं था दोस्तों गुप्त वंश में सबसे बड़ी खासियत यही थी कि गुप्त वंश के पतन का ये कारण नहीं था कि सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह हुआ हो ठीक है बाकी तीनों कारण थे गुप्त वंश के पतन के स्कंद गुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना ऊणों का आक्रमण प्रांतीय शासकों का विद्रोह ठीक है ये तीनों इसका बिल्कुल सही कारण है लेकिन डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, हो जाएगा आगे देखिए निम्नलिखित में नि, निम्नलिखित में यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया तो दोस्तों सीधा सा है ये सिर्फ वो ही हो सकता है जो संगीत प्रेमी हो समुद्र है वो संगीत प्रेमी था तथा उससे उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है ठीक है और समुद्रगुप्त ने कवराज नाम से कई कविताएं भी लिखी थी तो यहां पे समुद्र गुप्त इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें सिक्सटी नाइन नंबर प्रश्न है वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आर्यभट्ट ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट आगे देखिए गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध है गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध है तो वो किससे है तो वो है दोस्तों इसमें किससे चिकित्सा से संबंधित है इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था तो वो था दोस्तों रामगुप्त ठीक है तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है सुमेलित करना है सूची फर्स्ट में शासक और सूची सेकंड में अभिलेख दे रखे हैं ठीक है, है? देखिए कौन से शासक से संबंधित कौन सा अभिलेख है वो बताना है यहाँ पे देखिए समुद्रगुप्त तो यहाँ पे समुद्रगुप्त से संबंधित प्रयाग प्रशस्ति बिल्कुल सही है चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित मैरोली का लो स्तंभ लेख ये भी सही है स्कंधगुप्त का दोस्तों भीतरी स्तंभ लेख और बुद्धगुप्त का दोस्तों इसमें पहाड़पुर पहाड़पुर तामरपत्र ठीक है तो ये सारे के सारे इसमें पहले से ही सही सुमेलित किए गए हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक दो तीन चार ठीक है एक दो तीन चार यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है सूची फर्स्ट में मुद्रा के प्रकार हैं और सूची सेकंड में शासक है यानी कि कौन से मुद्रा का प्रकार कौन से शासक के समय चला था वो अपने को बताना है देखिए वीणा वादक मैंने अभी आपको बताया था कि दोस्तों वीणा बजाते हुए दिखाया गया है सिक्कों पर किसको समुन्द्र को किसने चलाए थे वीणा गुप्त वीणा वादक सिक्के तो ये समुद्रगुप्त गुप्त ने ठीक है तो और देखिए कुमार देवी प्रकार का जो सिक्का है ये दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था चक्र विक्रम प्रकार का चक्का है चक्का है सिक्का है चक्र विक्रम प्रकार का जो चक सिक्का है ये दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाया था और कार्तिकेय प्रकार का जो जो सिक्का है ये दोस्तों कुमार गुप्त प्रथम ने चलाया था ठीक है तो इसमें इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक दो तीन चार क्योंकि इसमें सारे ही सही सुमेलित है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए सूची फर्स्ट में साचक और सूची सेकंड में उपाधि है यानी कि किसकी क्या उपाधि है वो दोस्तों अपने को इसमें बताना है देखिए चंद्रगुप्त प्रथम की दोस्तों उपाधि है महाराजा धीराज की चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि है महाराजा धीराज की और समुद्रगुप्त की उपाधि है दोस्तों अश्वमेघ पराक्रम और चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधि है दोस्तों परम भागवत और स्कंदगुप्त की दोस्तों उपाधि है आ, सक्रोपम ठीक है याद रखना है सक्रोपम तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है आ, एक दो तीन चार एक दो तीन चार इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कहाँ पर है एक दो तीन चार डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट आगे देखिए सूची फर्स्ट में शासक है और सूची सेकंड में पत्नी है यानी कि कौन से शासक की पत्नी कौन थी वो अपने को बताना है देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ में विवाह किया था ठीक है तो कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी ठीक है अब यहां पे देखिए रामगुप्त राम रामगुप्त की पत्नी थी दोस्तों ध्रवा देवी ध्रुव देवी ठीक है और दोस्तों चंद्रगुप्त यहां पे देखिए समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त की जो पत्नी का नाम था वो था दोस्तों क्या तो वो है दत्ता देवी कौन थी दत्ता देवी ये दोस्तों समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था और दोस्तों यहां पे रुद्रसेन सेकंड रुद्रसेन सेकंड Sorry, यहां पर रुद्र सेन यानी चंद्रसेन यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड है ठीक है रुद्रसेन नहीं होगा चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड तो चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी का नाम था दोस्तों प्रभावती क्या नाम था प्रभावती ठीक है और दोस्तों प्रभावती सॉरी सु, सॉरी देखिए अपने इसमें सही है रुद्रसेन इसका बिल्कुल सही है देखिए दोस्तों इसमें एक चीज रुद्रसेन सेकंड ठीक है रुद्रसेन सेकंड की पत्नी का नाम था प्रभावती बिल्कुल सही बात है ये जो प्रभावती है ये दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन सेकंड के साथ में किया था ठीक है समझ में आ गया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक 2 3 4 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित बारह राज्यों पर धर्म विजय की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समुद्र गुप्त ने तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें सतहत्तर नंबर प्रश्न है सर्व राजोचेता यानी कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की तो सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की तो ये धारण की थी दोस्तों किसने तो चंद्रगुप्त सेकंड ने बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए किसने अंतिम शक शासक रुद्र सेकंड सॉरी रुद्र थर्ड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया किसने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया तो वो किसने किया तो ये किया था दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड ने तो इसका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट में रचनाकार हैं और सूची सेकंड में रचना है यानी कि किसने किसकी रचना की है वो दोस्तों अपने को इसमें बताना है देखिए आर्यभट्ट ने दोस्तों आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की है धनवंतरी ने नवनीत क्रम ग्रंथ की रचना की ब्रह्मगुप्त ने दोस्तों ब्रह्म सिद्धांत की रचना की व्रामीर ने दोस्तों पंच सिद्धांत तक की रचना की यानी कि सारे के सारे इसमें पहले से सही सुमेलित हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर जिसमें एक दो तीन चार दे रखा है ठीक है आगे देखिए दोस्तों इसमें अस्सी नंबर प्रश्न सुदर्शन झील जिराका निर्माण चंद्र चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था देखिए यहाँ पे जिसका ठीक है देखिए सुदर्शन झील का निर्माण है वो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्प गुप्त ने दोस्तों ये सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और इसका जो इस झील की जो मरम्मत है वो पहली बार शक शासक रुद्र दमन में रुद्र दमन ने करवाई थी और दूसरी बार मरम्मत है वो दोस्तों किसने करवाई थी यानी कि सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो दोस्तों पुष्पगुप्त ने करवाया था और इसकी पहली बार मरम्मत है वो दोस्तों शख्सासक रुद्र दमन ने करवाई थी और दूसरी बार मरम्मत है वो दोस्तों किसने करवाई थी तो ये करवाई थी दोस्तों किसने तो स्कंद गुप्त ने बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्कंद गुप्त आगे देखिए इसमें इक्यासी नंबर प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है सूची फर्स्ट में प्रकाश प्रशासकीय विभाजन और सूची सेकंड में प्रशासक दे रखा है देखिए दोस्तों यहां पे सुमेलित करना है देखिए भुक्ति प्रांत ठीक है और यानी कि किसको क्या कहा गया है जैसे ग्राम को क्या नगर को क्या कहते थे विषय जिला को क्या कहते थे प्रांत को क्या कहते थे ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं भुक्ति यानी कि प्रांत प्रांत को क्या बोलते थे यानी कि प्रांत का जो प्रशासक होता था वो कौन होता था तो वो होता था उपरिक क्या होता था उपरिक और विषय जिला विषय जिला यानी कि इसका जो प्रशासक होता था वो है विषयपति नगर का प्रशासक होता था नगरपति और ग्राम का प्रशासक होता था ग्रामिक तो इसमें एक दो तीन चार देखिए कौन सुमेलित नहीं है कौन सुमेलित इसमें नहीं है यहाँ पे देखिए दोस्तों देखिए महासंधि विग्रहीक यानी कि युद्ध व शांति का मंत्री दूसरा है महान दंड नायक यानी कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी विनय स्थिति स्थापक विनय स्थिति स्थापक तो दोस्तों ये धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था और ये महासवपति तो दोस्तों ये महासवपति ये नहीं था दोस्तों इसमें ठीक है महासवपति महादंड नायक होता था वो दोस्तों न्यायाधीश है ठीक है यानी कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो दंड देता दंड देता था ठीक है तो इसका इस राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये इसमें सही सुमेलित नहीं है आगे देखिए दोस्तों इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है देखिए सूची फर्स्ट में क्षेत्र भूमि और सूची सेकंड में दोस्तों ये कौन सी प्रकार की भूमि है ठीक है तो यहां पे देखिए वास्तु भूमि वास्तु भूमि दोस्तों ये कृषि योग्य भूमि होती थी और अप्रहत भूमि ये दोस्तों निवास योग्य भूमि होती थी और अप्रहत भूमि ये भी दोस्तों जंगली भूमि कहलाती थी और खिल भूमि ये दोस्तों कृषि के लिए उपयुक्त अनुपयुक्त भूमि कहलाती थी यानी कि ये सारे के सारे पहले से ही सही सुमिलित हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है एक दो तीन चार एक दो तीन चार यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए कौन सही सुमिलित नहीं है कौन सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे देखिए प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन तो यहाँ पे रवि कीर्ति सीधा सा गलत दे रखा है यहाँ पे दोस्तों ये यह बिल्कुल यहाँ पे गलत दे रखा है ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है किराता जूर्नियम भारवी दस कुमार चरित्र दंडिन मृत कटिकम ठीक है तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया आगे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा एक नंबर ऑप्शन नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है यहां पे देखिए कौन सुमेलित नहीं है तो देखिए वाघ भट्ट अष्टांग हृदय काम नीतिसार विशाखदत्त मुद्रा राक्षस और यहां पे भरतरी दे रखा है मेघ दूतम अब दोस्तों सीधा सा है देखिए मेघदूत है ये किसकी रचना है तो ये दोस्तों कालिदास की रचना है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट है आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है ठीक है तो यहाँ पे देखिए श्रेष्ठी श्रेष्ठी किसको बोलते थे तो श्रेष्ठी बोलते थे साहूकार को और सार्थवाह है सार्थवाह बोलते थे व्यापारी को कुलिक कुलिक बोलते थे शिल्पी या कारीगर को और कायस्थ बोलते थे लेखक को तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दो तीन चार यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए मिहिर कुल का संबंध था तो दोस्तों मिहिर कुल का जो संबंध था वो किससे था तो वो था दोस्तों हूण से बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हूण आगे देखिए कन्नौज को सर्वप्रथम महता प्रदान करने वाले थे कन्नौज को सर्वप्रथम महता प्रदान करने वाले थे तो दोस्तों कौन थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन तो वो है मोखरी सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी तो वो कौन थे तो वो थे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट ने, कुतुब है कुतुब मीनार के निकट स्थित लोहे स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है क्यों खींच रहा है क्योंकि दोस्तों उसकी उंगरोधता के कारण उसकी उंगरोधता के कारण दोस्तों तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल दो उदाहरण उपलब्ध हैं इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है गुप्त काल में चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर है उपलब्ध है तो किस स्थान पर उपलब्ध है तो ये दोस्तों वाघ गुफाओं में उपलब्ध है तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा वाघ गुफाएं आगे देखिए भुक्ति प्रांत अवस्थित थी तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पुण्डवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी तो ये दोस्तों उत्तर बंगाल में ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था तो परम भागवत की उपाधि धारण किसने की थी तो ये की थी दोस्तों समुद्र गुप्त ने बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अब दोस्तों बच्चे अपने सात क्वेश्चन सात क्वेश्चन है वो आप अपनी तरफ से पढ़ लेना और गुप्त वंश के दोस्तों अपने टोटल सो प्रश्न कंप्लीट है वो हो जाएंगे ठीक है दोस्तों आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत